हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे पेंडिंग है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट और व्हेन ड्रॉइंग बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉइंग। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा ये दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, हमारा बिल ऑफ एचएस का टोटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बेस पे सिर्फ हमको क्या करना रहेगा, प्रॉब्लम करना रहेगा। ऑलरेडी हमने 5 to 6 प्रॉब्लम एज एग्जांपल हमने किए हुए, तो आज हमारा लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। आप देखेंगे कि होता क्या है व्हेन बिल इज रिटायर्ड, बिल इज रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट। दैट मीन्स वॉट, अगर ड्रॉई ने बिफोर ड्यू डेट और मैच्योरिटी के पहले अगर पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट। ये जरूरी नहीं है कि ड्रॉई हमेशा ड्यू डेट को ही पैसा दे। जो हमसे उधारी लेता है उसके पास कुछ मजबूरियां होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, पैसे नहीं होते हैं, इसलिए हमसे क्या लेता है, वो क्रेडिट पे लेता है। बट समझो अगर उसने हमको 3 महीने का टाइम दिया था कि सर मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे दूंगा, बट उसके बाद 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पैसा आ गया, वो चाहता है कि आपके पैसे क्या कर दे, रिफंड कर दे। लोग बोलते ना कर्जे का टेंशन नहीं मांगता है, कर्जा नहीं चाहिए हम लोगों को। तो अगर पैसा आ गया टाइम के पहले और ड्रॉई ने अगर टाइम के पहले आपको पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ बिल, मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर ड्यू डेट। अगर ड्रॉई ने ड्यू डेट के पहले पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट। तो सिंपल है, आप बताओ अगर ड्रॉई ड्यू डेट के पहले पैसा दे रहा है तो ड्रॉवर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ड्रॉवर का भी कुछ फर्ज होता है कि समय के पहले पैसा मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, हमने सोचा ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, बट हमको 2 महीने में ही पैसा मिल गया। तो ड्रॉवर ने भी क्या करना पड़ता है, कुछ रिबेट देना पड़ता है, कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। तो जो रिबेट या जो डिस्काउंट ड्रॉवर देता है ड्रॉई को, वो ड्रॉवर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और ड्रॉई का क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। सेम हॉनर ऑफ बिल की तरह ही एंट्री होगा, बट यहां पे डिस्काउंट जैसे मैंने आपको बताया, ड्रॉवर का लॉस हो जाएगा और ड्रॉई का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। उसका एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे एंट्री कैसे होती है वहां पे। सिंपल, आपको पता है ड्रॉवर, ड्रॉवर किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, जब हॉनर होता था। तो यहां पे क्या हो गया, समय के पहले पैसा मिल रहा है, मतलब सिंपल आप सोचो ड्रॉई आपके पास खुद आया रहेगा, उसने आपको पैसे दिए, बट सडनली अगर आपके पास पैसा आ गया तो सिंपल हम भी यही सोचेंगे कि इनको कुछ ना कुछ क्या देना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए, कुछ ना कुछ इनको छूट देना चाहिए, कंसेशन देना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली उन्होंने क्या किया, आपके पैसे समय के पहले लाके रिफंड किया। तो सिंपल यहां पे भी हॉनर हो रहा है, बट बिफोर ड्यू डेट। हम हमेशा ड्यू डेट एक्सपेक्ट करते और ये भी एक्सपेक्ट करते कि ड्यू डेट को हमारा बिल क्या हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, बट यहां पे ऐसा केस नहीं। यहां पे तो केस कैसा है, देखो आप, समय के पहले पैसा ड्रॉई खुद लाकर दे रहा है, तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास से क्या जाएगा, बिल जाएगा, हम बिल दे देंगे ड्रॉई को, और ड्रॉई से क्या लेंगे, कैश, बट ड्रॉई को क्या देंगे, हम कुछ कंसेशन देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, और उसको हम रिबेट भी बोल सकते हैं, छूट बोल सकते हैं उसको। तो जो छूट हम दे रहे हैं वो हमारा लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहां पर ड्रॉवर, ड्रॉई ड्रॉइंग हमारे पास आएगा, हमको क्या दिया उसने, कैश, और हम उसको क्या देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे। मतलब सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, डिस्काउंट हमने जो दिया वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और हमारे पास से क्या रहेगा, बिल जाएगा, बिल रिसीवेबल। तो आप देख सकते हैं कैश हमारे पास आ रहा है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल आपको बताया था पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं, रियल अकाउंट बोल सकते हैं, नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नाउ
अगर हम ड्रॉवर की तरफ सोचे तो ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश, कौन दे रहा है, ड्रॉइंग, डिस्काउंट काटने के बाद या डिस्काउंट हमने दिया, तो डिस्काउंट जो हमने दिया वो हमारा क्या कहता है, लॉस, नॉमिनल अकाउंट, एंड कैश आ रहा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, कैश, तो कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट हमने दिया हमारा लॉस है, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड रिप्रेजेंटेटिव वन आपका बिल्स रिसीवर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ड्रॉवर कौन है, गिवर है, पर आपको पता है कि ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, बिल क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। सो हमारी एंट्री बन गई ड्रॉवर के बुक में, एंड ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंड नरेशन का बिल, बिल रिटायर, बिल रिटायर बिफोर ड्यू डेट, आपको पता है कि नरेशन का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बिल विल रिटायर बिफोर ड्यू डेट। नाउ ये एंट्री किसके बुक में हो गया, ड्रॉवर के बुक में। नाउ यही एंट्री हम ड्रॉई की तरफ सोचे तो ड्रॉई के पास से सोचो, ड्रॉई क्या हो रहा है, ड्रॉई क्या कर रहा है, ड्रॉई के पास से कैश जा रहा है, कैश कौन सा हो जाएगा, रियल अकाउंट, ड्रॉई को जो हमने डिस्काउंट दिया, रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया, सेम नॉमिनल अकाउंट, और ड्रॉई के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, और उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, सेम पर्सनल अकाउंट, तो ड्रॉई के पास से क्या जा रहा है, यार समझो आप ड्रॉई तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, व्हाट गोस आउट, कैश गोस आउट, डिस्काउंट मेरे लिए, ड्रॉवर के लिए लॉस था, तो ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एंड बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये डेबिट हो जाएगा, बिकॉज हम दे रहे हैं और ड्रॉई क्या कर रहा है, ले रहा है, ड्रॉई कौन है, रिसीवर है, तो ड्रॉई के बुक में क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बरोबर है, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, देख लेंगे एंट्री हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, वापस एक बार देख लेंगे, आप ड्रॉई हो, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, कैश, डिस्काउंट आपका प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, प्रॉफिट तो क्रेडिट हो जाएगा, और आपके पास से क्या जा रहा है, बिल पेबल जा रहा है, बिल पेबल जा रहा है कि आ रहा है, ड्रॉवर ने आपको दिया तो आपके पास आ रहा है, बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, आप रिसीवर हो, आप डेबिट हो जाओगे, बट आपके बुक में, ड्रॉई के बुक में ड्रॉई का नाम नहीं आता है, तो क्या आएगा, बिल्स पेबल, तो एंट्री क्या बन गई हमारी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, नरेशन क्या हो जाएगा, बिल सेम, बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, बिल रिटायर्ड बिफोर, या इतना लिखा तो भी चलेगा, बीन बिल रिटायर्ड, बीन बिल रिटायर्ड। ना बेटा एक और बात,
ये जो डिस्काउंट मैंने लिखा, डिस्काउंट के जगह पे हम रिबेट वर्ड भी यूज कर सकते, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर आप आपके नोट्स में, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पे डिस्काउंट ऑब्लिक रिबेट दिया रहेगा, यहाँ पे डिस्काउंट ऑब्लिक रिबेट दिया रहेगा। और कैश और बैंक, आपको पता है कैश ऑब्लिक बैंक रहता है, मैं एक ही लिख रहा हूं, होप आपको समझ में आएगा। ये रिटायरमेंट का केस हो गया, व्हेन बिल इज रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, तो जो डिस्काउंट ड्रॉवर देता है, ड्रॉवर के लिए क्या होता है वो लॉस होता है, और वही डिस्काउंट ड्रॉवर के लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो लाइव सेशन में क्या कर सकते हैं, आप लोग क्लियर कर सकते ना। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट इज व्हेन ट्रॉय बिकम इंसॉल्वेंट, व्हेन ट्रॉय बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रॉय, इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रॉय, दैट मीन्स वो, आपको पता है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट का कंसेप्ट आपको 11th में भी क्लियर कराया गया है। इफ लाइबिलिटी इज मोर देन असेट्स, अगर लाइबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, असेट्स से। इफ अ पर्सन लाइबिलिटी इज मोर देन हिज असेट्स, अगर लाइबिलिटी ज्यादा है हमारे प्रॉपर्टी से, हमारे असेट्स से, तो डेफिनेटली हम क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। तो अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली, अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट दैट मीन्स बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, वो अपनी लाइबिलिटी को रीपे नहीं कर सकता, ऐसे केस में उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट का सर, तो डेफिनेटली वो उनको पैसे नहीं दे पाएगा। और ये ड्रॉई याद रखना बेटा, ये ड्रॉई नहीं आके बोलेगा कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं पैसे नहीं दूंगा, लो मैं कंगाल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है। इट शुड बी डिक्लेयर बाय कोर्ट, कोर्ट ने क्या करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए कि ये पर्सन फलाना ठेकाना क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम उससे पैसे नहीं मांग सकते। मींस व्हाट, इफ ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो सिंपल, सबसे पहले तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, वो पैसे नहीं दे सकता है हमारा, जो हमारा बिल था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा ओल्ड बिल, जो हमने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था वो कैंसिल हो जाएगा। बट आपको मालूम है ह्यूमन नेचर, वो कितना भी कमजोर हो गया, कितना भी कंगाल हो गया, बट हम तो चाहेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो हम लेंगे ही। तो जो पर्सन है उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से हम लोग क्या ना कुछ ना कुछ उससे वसूल करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, समझो अगर हमको मिला उसके पास बाइक है तो बाइक ले लेंगे, उसके घर में टीवी है, फ्रिज है, वो हम ले लेंगे। मतलब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो हम रिसीव्ड करते हैं उसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फाइनल डिविडेंड। तो देखो मैंने हेडिंग में लिखा है रिसीविंग फाइनल डिविडेंड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो जो अमाउंट हमको मिल गया वो फाइनल डिविडेंड, और जो नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, हमारा बैड डेट्स, हमारा बैड डेट्स हो जाएगा। और ड्रॉइंग क्या, वो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा उसको, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दे नहीं सकता, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेफिशिएंसी माइनस में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। तो देखेंगे कि कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी। नॉर्मली मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैंसिलेशन का एंट्री बताया था कि ड्रॉवर के बुक में कैंसिलेशन की एंट्री हर केस में अलग होती है। रिटेल के केस में आपको बताया था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंटिंग केस में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंडोर्सी के केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, एंड बैंक फॉर कलेक्शन के केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने ड्रॉवर के बुक में वो चारों एंट्री कराया था मैंने आपको, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, आपको बताया था वहां पे फोर स्टेप होते हैं। तो सेम यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ तो किसी भी केस में कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल हुआ तो अगर रिटेन बिल, तो ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल आपको बताया था, रिटेन बिल में क्या होता है आपको बताया था, रिटेन बिल में कौन होता है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई दो ही पार्टी है। डिविडेंड को समझे या ये इंसॉल्वेंट हो गया, ड्रॉई बिल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या जाएगा, बिल जाएगा किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास। आप बोलो हमारे पास से बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ड्रॉई, ड्रॉई कौन है, रिसीवर है, और हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, हम गीवर है, बट अपना नाम नहीं लिख सकते, इसलिए क्या लिखते हम, बिल्स रिसीवेबल। तो मैंने आपको बताया था एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट,
ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एक एंट्री हो गया। इन केस ऑफ रिटेन बिल, अगर बिल रिटेन होता है तो ये एंट्री होती है, बिग बिल इज कैंसल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। बट इसी केस में मैंने आपको बताया था, अगर वही बिल क्या आपने बैंक में डिस्काउंट कराया है, अगर डिस्काउंटिंग बिल है, अगर डिस्काउंटिंग बिल है तो एंट्री क्या होगी, मतलब बिल का ओनर कौन है, बैंक। मैंने बताया था बैंक इसके पास क्या रहेगा, ड्रॉई, ड्रॉई में पैसे नहीं दिए, बैंक वापस आता है किसके पास जाता है, ड्रॉवर। एंड आपको बताया था ड्रॉवर किसके पास जाता है, ड्रॉई। मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट वाला केस, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इफ डिस्काउंटिंग बिल इज डिसऑनर्ड, अगर डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या होगा, बोलिए ड्रॉवर को बिल कौन दे रहा है, बैंक, और ड्रॉवर किसको दे रहा है, ड्रॉई को, रिसीवर कौन, ड्रॉई, गिवर कौन, बैंक। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिटेन के केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ अगर यहां पे बैंक फॉर कलेक्शन, अगर बैंक फॉर कलेक्शन का केस है तो एंट्री क्या होगा, सेम, बैंक किसके पास गया, ड्रॉई के पास, पैसे नहीं दे, वापस आएगा किसके पास जाएगा, ड्रॉवर, ड्रॉवर किसके पास जाएगा, ड्रॉई, सेम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अगेन एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बैंक फॉर कलेक्शन। एंड लास्ट वन इंडोर्सी के केस में भी वही होता है, वेन इट इज इंडोर्स, अगर बिल को हमने इंडोर्स किया तो सेम इंडोर्सी किसके पास जाता है, ड्रॉई, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो इंडोर्सी आता है रिटर्न, ड्रॉ के पास जाता है, ड्रॉ किसके पास जाता है, ड्रॉई के पास, सेम पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहां पे भी एंट्री क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। मीन्स वॉट, फोर स्टेप हो सकते हैं, फोर है ना, हम लोग रिटेन कर सकते हैं, हम डिस्काउंट कर सकते हैं, हम इंडोर्स कर सकते हैं, हम बैंक और कलेक्शन को दे सकते हैं, तो चारों के केस में एंट्री अलग अलग होगी। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल इन केस ऑफ रिटेन, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन इन केस बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, एंड इंडोर्सी के केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, आपका ये एंट्री हो जाता है। नाउ नरेशन क्या होगा, बिंग बिल इज कैंसल, बिंग बिल इज कैंसल, ड्रॉवर के बुक में चारों केस में से कोई भी एक केस हो सकता है, बट आपको पता है कि ड्रॉई के बुक में कैंसलेशन की एंट्री एक ही होती है, बिकॉज ड्रॉई ओनली नोज टू ड्रॉवर, ड्रॉई सिर्फ इसको जानता है, ड्रॉवर को जानता है और किसी को नहीं जानता है। आप बताए तो ड्रॉई के पास क्या, कौन आया, ड्रॉवर आया, क्या दिया उसको, बिल, तो ड्रॉई के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, कौन दे रहा है, ड्रॉवर, तो ड्रॉई क्या बोलेगा, बिल आ रहा है, बिल, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ड्रॉई इज द रिसीवर, पर ड्रॉई के बुक में ड्रॉई का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, बिल्स पेबल, कौन दे रहा है, ड्रॉवर, तो ड्रॉवर इज द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको पहले से पता है, पहले भी सिखाया है लास्ट लेक्चर में, ड्रॉई के बुक में कैंसलेशन की एक ही एंट्री होती है, ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड की, एंड दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। This payable account debit to drawer account, to drawer, drawer account. Narration: Bing bill is cancelled. Bing bill is cancelled. So, मैंने आपको बताया ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, दो एंट्री होती है, ये तो हमारा ओल्ड बिल कैंसिल हो गया ड्यू टू द ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, क्योंकि ड्रॉई क्या हो गया बच्चा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पूरा पैसा तो दे नहीं पाएगा, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको इंसॉल्वेंट, तो हमारा जो ओल्ड बिल है 10,000 का 20,000 का जो भी हो वो फुल अमाउंट वाला बिल क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ मैंने बताया उसके बाद ह्यूमन नेचर है, मरते दम तक हम चाहेंगे कि हमारा पैसा रिकवर हो जाए,
तो कुछ ना कुछ पैसा उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से हम रिकवर करेंगे, उसके घर से जाके क्या करेंगे रिकवर करेंगे, हाथ में वॉच होगा वो ले लेंगे, गले में चैन होगा वो ले लेंगे, बाइक होगी वो ले लेंगे, कार है फ्रिज है टीवी है वो ले लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ पैसा हम क्या करेंगे रिकवर करेंगे। तो आप बताओ कैंसर है ना, जो हम रिकवर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमको 10,000 लेना था, उससे 10,000 का बिल है हमारा, फॉर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से आपने क्या किया 4,000 रिकवर किया। तो जो हमने रिकवर किया इसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, ये हमने 4,000 से रिकवर किया, मतलब हमारे पास क्या है कैश। और जो 6,000 हम नहीं रिकवर कर पाए क्योंकि कोई इंस्टॉलमेंट हो गया, उसकी एबिलिटी नहीं है, वो हमको नहीं दे सकता इतना पैसा, उसके पास है ही नहीं पैसे तो देगा कहां से, तो ये जो हमारा हो गया उसको बोलते हैं बैड डेट्स। दैट मीन्स व्हाट, जो कैश हमने रिकवर किया, कैश कौन सा अकाउंट होता है रियल अकाउंट, बैड डेट्स कौन सा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पैसा आ रहा है हमारे पास रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन, बैड डेट्स हमारा डूब गया लॉस हो गया नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए 10,000 में से कैश कितना गया 4,000, 6,000 क्या हो गया आपका बैड डेट्स, एंड दोनों क्या हो गया डेबिट, कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, ये बैड डेट्स हमारा लॉस है इसलिए डेबिट, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैड डेट्स हमारा क्या है लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। मतलब 4,000, 6,000, 10,000 से डेबिट हो गया तो 10,000 से डेबिट हो गया कौन, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट कहां से किससे आपका ट्रांजेक्शन हुआ ड्रॉइंग से, तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, समझिए ड्रॉइंग है आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, किसके बुक में ड्रॉअर के बुक में देखेंगे आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, 6,000, 4,000, 6,000 and 10,000, नरेशन बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव। फाइनल डिविडेंड रिसीव नाउ सेम एंट्री अगर आप देखेंगे वापस देखिए, ड्रॉइंग क्या हो गया इंस्टॉलमेंट हो गया, उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से आपने कितना रिकवर किया 4,000 रिकवर किया, 6,000 नहीं रिकवर कर पाए आप। तो जो हमने 4,000 रिकवर किया है वो कैश हमारे पास आ रहा है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो नहीं रिकवर किया वो हमारा क्या हो गया बैड डेट्स है लॉस है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, किससे ले रहे हो आप ड्रॉइंग से पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड पेड द गिवर। एंट्री आपके सामने कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। अगर मैं अमाउंट की बात करूं कैश अकाउंट डेबिट 4,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000, टू ड्रॉइंग अकाउंट आपका कितना देगा 10,000, नरेशन बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, लिख सकते हैं एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये हमारा नरेशन हो जाए। सेम एंट्री ड्रॉइंग के बुक में, मैं बता था कि ड्रॉइंग के बुक में जो हमारा ये बैड डेट्स है उसका डेफिशिएंसी हो जाता है, माइनस में चला गया लॉस में, वो उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो भी बचा था 4,000 हमने क्या कर लिया रिसीव्ड कर लिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है नहीं दे सकता वो, तो जो हमारा बैड डेट्स उसका क्या हो जाता है डेफिशिएंसी हो जाता है। सो ड्रॉइंग के बुक में अगर मैं एंट्री बोलू तो ड्रॉइंग के बुक में बोलिए ना क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग के पास से क्या जा रहा है 4,000 जा रहा है, तो अगर मैं इसी को बोल इसी के यहां पे देखेंगे तो ड्रॉइंग के पास से कैश जा रहा है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप समझो आप एज्यूम करो कि आप ड्रॉइंग हो, आपके पास से 4,000 जा रहा है कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जाना तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी जो आपका 6,000 नहीं दे पा रहे हो आप बच गया ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज है ही नहीं आपके पास, ये आपका डेफिशिएंसी हो गया डेफिशिएंसी, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और आपका एज्यूम करें तो आपके पास था ही नहीं तो आपका प्रॉफिट हो गया बच गया आपका, ये भी क्रेडिट हो जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट माइनस में चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा आपका। एज्यूम करो कि आपके पास नहीं है
आपका बच गया, प्रॉफिट ही एज्यूम कर लो, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता आपसे बिकॉज है ही नहीं आपके पास, तो कैश जा रहा है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन पेड व्हाट गोस आउट, क्रेडिट हो गया, ये डेफिशिएंसी आपका प्रॉफिट है, बच गया डेफिशिएंसी हो गया, क्रेडिट हो जाएगा, किसको दे रहे आप लोग, ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका, डेबिट द रिसीवर। तो ड्रॉइंग के बुक में एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, नरेशन बी, फाइनल अमाउंट पेड या फाइनल डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, पेड एंड डेफिशिएंसी क्रेडिटेड। एफिशिएंसी क्रेडिट, होप आपको ये इंग्लिश सब समझ में आ जाएगा। वापस देख लीजिए, एज ए सोनी बताया आपको, व्हेन ड्रॉइंग बिकम इंसॉल्वेंट, याद रखना जब भी ड्रॉइंग क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा, कितने एंट्री होने के चांसेस होंगे, दो एंट्री होने के चांसेस होंगे, एक कौन सा आपका कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड दूसरा कौन सा आपका बैड डेट्स एंड डेफिशिएंसी का। होप आपको इंग्लिश समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको क्लियर करेंगे लाइव सेशन में। एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल, व्हेन बिल इज रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के पहले पैसा मिलता है तो क्या करना, उसको आपको ऐसी एंट्री करना, जो ड्यू डेट के पहले पैसा मिल रहा है तो हमने क्या किया, ड्रॉइंग को डिस्काउंट दिया हमने, उसको कंसेशन दिया, उसको हमने पैसे छोड़ दिए कुछ पैसे, वो हमारा लॉस हो जाएगा और वो ड्रॉइंग का क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो रिटायरमेंट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड ड्रॉइंग के बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट के बिहार में क्या लिख सकते हैं, रिबेट लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपका लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझ में आएगा, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, हमारा वोटिंग चार्जेस का हो गया, हमारा कैंसिलेशन हो गया, सारी एंट्रीज हमने कर ली, ये एंट्री को आप अच्छे से देख लेंगे और इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम, दैट मीन्स व्हाट, नेक्स्ट लेक्चर से हम कोई भी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका काम है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कल के डाउट क्लियरिंग सेशन में, लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग, बाय।